नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर के नजीबाबाद में सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन द्वारा लगातार भू माफियाओं सहित सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बिजनौर जिले के नजीबाबाद में बने अवैध बस स्टैंड टेम्पो स्टैंड पर प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण अभियान चलाकर सरकारी संपत्ति से संबंधित जगहों को बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया। फरुखाबाद में लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बाबा के बुलडोजर चलने से अवैध जमीन कब्जेदार में हड़कंप मचा हुआ है। बाबा का बुलडोजर से भू माफियाओं में खलबली मची हुई है। जमीन पर कब्जा कर दुकान मकान बनाने वालों में दहशत का माहौल है। सिटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हो रही है और धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। रोड की जमीन सरकारी कब्जेदारों में हड़कंप है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की देखरेख में अतिक्रमण हटाओ अभियान धड़ल्ले से चल रहा है। फतेहपुर जिले में श्रम विभाग की पहली बैठक में आए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने विकास भवन में बैठक के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि श्रम कल्याण परिषद की 9 योजनाओं का नाम 3 साल पहले अधिकारियों तक को नहीं मालूम था। फतेहपुर जिले में ये पहली बैठक हो रही है जो श्रम विभाग के इतिहास में एक है। फतेहपुर जिले में एक घटना देर से पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने कहा कि 20 मंडलों में 18 मंडलों में काम करते थे। पिछले दिनों निर्माण किया गया, जिला स्तर पर एक बैठक भी ली जाए, साथ ही साथ श्रम विभाग की 9 योजनाएं प्रचलित की जाएंगी। गोंडा में पुलिस ने दवा व्यवसायी की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। दवा व्यवसायी की पड़ोसी ने आपसी विवाद में साथियों संग मिलकर हत्या की। शराब पिलाने के बहाने बुलाकर 16 मई को हत्या कर शव को भूसे के ढेर में छिपाया। पड़ोसी नथुलाल विश्वकर्मा ने ये पूरी साजिश रची है। साथ ही साथ पुलिस को गुमराह करने के लिए डायल 112 पर व्यापारी का अपहरण कर हत्या की सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के रमापुर नायक गाँव का है। हमीरपुर में एक बार फिर से डॉक्टर्स पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल में गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया गया। पीड़ित महिला के पर्ची और कागज गायब कर दिए गए। डीएम से शिकायत करने के बाद गुहार लगाई जा रही है, जिसके बाद जिला मुख्यालय की महिला अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कुलकुला मेला जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतक अजीमुद्दीन देवरिया जनपद के सिसवा मुड़ी कटवा का रहने वाला था। वर्षों की बूंदों से बचने के लिए अजीमुद्दीन अपने भतीजे असगर के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से उन दोनों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। आजम खान की रिहाई का मसला इन दिनों चर्चा में है। दरअसल आजम खान की रिहाई पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का अभिप्राय नहीं है कि आजम खान दोषमुक्त हो गए हैं। आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमा दाखिल किए गए हैं वो पीड़ितों और गरीबों की ओर से दाखिल किए गए हैं, जिन पर सत्ता के रसूख के दम पर आजम खान ने अत्याचार किया था। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोषमुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनके माफ़ी मिल गई है। आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। मैनपुरी में ट्रक और रोडवेज बस में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को बेवर अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज जीटी रोड की पूरी घटना।
पीलीभीत में देर रात सारथा व्यापारी की गोली लगा शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर गाड़ी में ही उसका शव मिला। परिजनों का कहना है कि लूटपाट कर हत्या की गई है, क्योंकि गले की चेन, हाथ की अंगूठी, ब्रेसलेट गायब है। मौके पर रात में ही एसपी ने मौका मुआयना किया। एसपी का कहना है कि जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। देखिए, परिवार वालों की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच के देखा है, जो एक पवन गोयल नाम के व्यापारी हैं जो कोतवाली के रहने वाले हैं, उनकी अपनी निजी गाड़ी में अंदर उनकी बॉडी मिली है। उनके माथे पे एक चोट का निशाना है और साथ में गाड़ी में ही उनके लाइसेंसी पिस्टल भी मिले हैं, और तुरंत तत्काल वहाँ पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और वहाँ पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम है तो मार्चुरी भिजवा दिए गए हैं। पैनल से पोस्टमार्टम होगा और जो भी जो परिस्थिति क्या है, जो साक्ष्य क्या है, ये सब पूछताछ की जा रही है। कोई चश्मदीद गवाह अभी नहीं मिले हैं। परिवार वालों को भी जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो ढूंढने निकले हैं, तब सड़क के किनारे, टनकपुर हाईवे के किनारे। संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर दूध टैंकर ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चालक सहित 10 लोग घायल हुए हैं। देर रात बेटी का रिश्ता तय कर घर लौट रहा था वैन सवार परिवार। जबरदस्त हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चिपकार मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। असमौली थाना इलाके के गाँव ओवरी का पूरा मामला। श्रावस्ती के भीनगा कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी के मामले फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा। इनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। आरोपी को जेल भेज दिया गया। युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के संगठन युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की रात उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर संगठन के कार्यों से अवगत कराया। बता दें कि बुधवार की शाम को राज्यपाल से मिलने की आस लेकर युवक मंगल दल के कार्यकर्ता जमलम मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन काफी देर मशक्कत करने के बाद भी राज्यपाल से मुलाकात न होने पर कार्यकर्ता निराश हो गए और गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे और उनके सहयोगियों के साथ बाहर मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। काफी देर बीत जाने के बाद राज्यपाल महोदय टहलने के लिए निकले और संगठन के कार्यकर्ताओं को बाहर खड़ा देख खुद चलकर कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और वहां खड़े होने का कारण पूछी। इतने में गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश ने सारी घटना से अवगत कराया। हम लोग सर्किट हाउस गए थे मिलने के लिए और काफी देर हम लोगों ने उनका इंतजार किया। हमारे युवक मंगल दल के संगठन के साथियों ने बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर भी हम लोग वहां डटे रहे और शाम 5 बजे से हम लोग गए थे वहाँ पर और हम लोग लगभग 9 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार किए, लेकिन कोई भी मिलने नहीं दे रहा था। बताया जा रहा था कि सरकारी कार्यक्रम है और राज्यपाल महोदया किसी से नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर 9 बजे के आसपास राज्यपाल महोदया टहलने के लिए बाहर निकली और हम लोग वहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से जानना चाहा कि आखिर हम लोग क्यों खड़े हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी बात बताई। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग नुमा पत्थर निकलने के बाद देश भर में राजनीति गरमा गई है। पत्थर मिलने के बाद हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि मस्जिद में मिला पत्थर शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम समुदाय ने उस पत्थर को फवारे होने का दावा किया। इन सबके बीच जिला मुफ्ती और वुमी के पूर्व प्रोफेसर जाहिद अली खान का बड़ा बयान सामने आया। जाहिद अली का कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर बना था। सरकार में बैठे कुछ लोग और अपोजिशन में रहने वाले कुछ लोग, कुछ सरमायादार और जो यहाँ के बड़े बड़े पेट वाले और बड़े बड़े तजारत वाले लोग हैं, वो चूंकि देश को लूट रहे हैं और लूटने में सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लिहाजा पब्लिक का ध्यान असल मसलों से हटाने के लिए ये एक तरकीब है जो एक पहले कामयाब हो चुकी है। बाबरी मस्जिद की बात पर 40 साल से ज़्यादा सियासत रही, अब इस पर भी 20-25 साल सियासत हो जाएगी, फिर एक आध कोई मसला और निकाल लेंगे तो उस पर सियासत हो जाएगी। ये मसले जो हैं
वो इस तरह के नहीं है कि इसमें सियासत की जाए। इस सिलसिले में कानूनी पहलू यह है कि रिलीजियस प्लेसेस एक्ट बन चुका है। अमेठी में एक तरफ जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अगर बात करें अमेठी की सच्चाई की तो यहां जनता को विकास रूपी सुविधाएं तो दूर, अभी सरकारी बिल्डिंग को विकास की दरकार है। बता दें कि बाजार शुक्ल ब्लॉक में अधिकारी कर्मचारी जर्जर इमारत में काम कर रहे हैं, वही बिल्डिंग की खिड़की दरवाजे सब टूटे और जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। मथुरा के जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया गया। हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्रीकृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक है, अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में की जाएगी। को हमारे पिटीशन को दावा को खारिज किया था, ये माना हमको दावा करने का अधिकार नहीं है। हमने माननीय जनपद महोदय के यहाँ रिवीजन फाइल किया, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे रूलिंग को देखने बाद ये माना कि हमको दावा करने का अधिकार है, और ये भी माना कि जो हमने कंप्रोमाइज चैलेंज किया वो लीगली चैलेंज किया है और हमारा सूट अब लोअर कोर्ट में चलेगा। लोअर कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया। बहस नहीं, आज जजमेंट में लग रहा था, जजमेंट हमारे फेवर में हुआ है, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी विजय है। अपने पिटीशन स्वीकार कर लिया, पिटीशन स्वीकार कर लिया। सहारनपुर में परिसमन का मुद्दा गरमाने लगा है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर दफ्तर में एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि गुरुवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में सभी पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए गंगो नगर पालिका परिषद और तीतरो नगर पंचायत के परिसमन के संबंध में मुद्दों को उठाया गया है। ये मांग करते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि जो परिसीमन गंगो नगर पालिका और नगर क्षेत्र पंचायत तीतरो का जो परिसीमन हो रहा है, हमारी मांग ये है कि उसका परिसीमन एक पर्टिकुलरली एक एरिया, मतलब उससे बीच से चाहे वो 5 किलोमीटर का हो या 3 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का, जो उसके दायरे में गांव आ रहे हैं उनको लिया जाए, ना कि जो दूर के गाँव हैं, कुछ गाँव के नज़दीक को छोड़कर दूर के गाँव को लेने की जो चर्चाएँ चल रही हैं उसको विराम लगाया जाए। न्याय संगत जो उसके नज़दीक के गाँव हैं उनको लेने का काम करें, किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य ना हो, न्याय संगत काम हो, सबको जो नज़दीक के गांव हो उनको पहले लिया जाए, यदि ज़रूरत पड़े तो दूर के गांव को भी ले लिया जाए, लेकिन पहले जिनका अधिकार है जो उनके नज़दीक हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, पहले जो गाँव हैं उनको लेने का, जो नज़दीक गाँव हैं उनको लेने का कार्य हो। श्रावस्ती में 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी संतोष कुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत 3.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 3,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।